जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक बताए थे और उम्मीद करते हैं कि अगर आप शुरू से क्लास को देखते आ रहे हैं, अगर शुरू से क्लास छोड़ो इवन इस एक्सरसाइज को भी आप शुरू से देख रहे हो तो 9वां नंबर क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। लेकिन वही हमेशा की तरह आदत से मजबूर है कि अगर आपसे बन भी गया है तो भी एक बार हम तो ज़रूर बता देंगे। अगर आपसे बन गया है तो बहुत अच्छा बात है, मिला लेना, और जिनसे नहीं बना है वो क्वेश्चन नंबर 9वां एक बार देख के समझ ले, दोबारा खुद से बना लेगा। और फॉर्मूला तो यही सब इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए अभी तक हम इस फॉर्मूले को मिटे भी नहीं किए, रहे दिए। जैसे 9वां नंबर क्वेश्चन, 9 के पहले नंबर में अगर बात करें तो कह रहा है साबित करें। साबित करना क्या है? cos 4 थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 2 थीटा बटा sin 4 थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 2 थीटा, इतना बराबर। जो प्रूफ करना है वो है cot 3 थीटा। देखो इस सब में यहाँ पे तीन टर्म दिखाई दे रहा है, cos 4 थीटा, cos 3 थीटा, cos 2 थीटा। sin 4 थीटा, sin 2 थीटा। अगर चार टर्म होता तो दो दो को के जोड़ा लगा देते, मतलब जोड़ा लगा देते, लेकिन यहाँ चार टर्म नहीं है, तीन टर्म है, और तीन टर्म में आप जोड़ा नहीं लगा सकते हो। तो क्या कर सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड ध्यान दीजिए, क्या करेंगे हम? cos 4 थीटा को cos 2 थीटा के साथ में रख देंगे, 3 थीटा को छोड़ देना है। क्यों? बताते हैं। cos 4 थीटा प्लस cos 2 थीटा, और बीच वाले को ऐसा ही रहने देंगे। इसका फिलहाल जब इस्तेमाल होगा तब होगा, अभी छोड़ देते हैं। वैसे ही sin 4 थीटा प्लस sin 2 थीटा प्लस sin 3 थीटा को ऐसे ही छोड़ देते हैं। इन दोनों में हम फॉर्मूला लगा देते हैं, cos C + cos D के फॉर्मूला, 2 cos C + D/2, यानी कि 4 थीटा प्लस 2 थीटा बटा में 2 इंटू cos C - D। C - D यानी कि 4 थीटा माइनस 2 थीटा अब बटा में 2 प्लस में इधर जो दिखाई दे रहा है ना cos 3 थीटा, इसको ऐसे ही छोड़ दो बटा। नीचे देखते हैं sin C + sin D के फॉर्मूला, sin C + sin D के फॉर्मूला हो गया 2 sin C + D/2, सी यानी कि 4 थीटा प्लस डी यानी कि 2 थीटा बटा में 2 इंटू cos ही होगा क्योंकि sin C + D है। cos वाला में क्या होता है ना कि दोनों दोनों cos, या तो दोनों दोनों sin, दोनों दोनों cos इसलिए हुआ क्योंकि बीच में प्लस था, अगर माइनस होता तो दोनों दोनों साइन में फॉर्मूला। लेकिन साइन वाला में मिली जुली, पहले sin C + D/2 इंटू cos C - D/2, अब प्लस में जैसे दिखाई दे रहा है sin 3 थीटा वैसे ही छोड़ दो बीच वाले को। देखो त्रिकोणमिति वो भी खास करके 11th का, जब इस तरह के प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करो तो हमेशा ध्यान देना है कि छोटा वाला और बड़ा वाला को एक साथ रखना है, और अगर छोड़ने के बारे भी आ जाए तो बीच वाले टर्म को छोड़ना है हमेशा। और जैसा हम बोल रहे हैं अगर आप इस बात को फॉलो नहीं किए तो आपको नुकसान नहीं होगा, थोड़ा सा हो सकता है कि एक लाइन ज़्यादा दो लाइन ज़्यादा चलना पड़े, बन तो वैसे भी जाएगा, ये थोड़ा ज़्यादा ईजी है। जैसे कि आप यहाँ पे लिखते हैं 2, आप अगर समझ सकते हो तो 4 थीटा 2 थीटा दोनों को जोड़ दो तो 6 थीटा और 2 से भागा दे दो, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम 2 से भागा दे देंगे तो 3 थीटा होगा और वहाँ भी 3 थीटा है, तो आप चाहे तो cos
थ्री थीटा कॉमन ले सकते हैं, और बाकी जो बचेगा उसको देखा जाएगा, जो भी बचेगा। जैसे यहाँ से बच गया टू, तो टू लिख देंगे, इसमें से बच जाएगा कॉस। ये तो खैर फोर और टू अगर आप समझ सकते हो तो चार थीटा दो थीटा जोड़कर छः थीटा हुआ, दो से भागा दिए तो तीन थीटा आएगा। तो कॉस थ्री थीटा यहाँ से भी, कॉस थ्री थीटा यहाँ से भी कॉमन ले लिए, बाकी जो बच गया इस जगह से दो और कुछ नहीं, सॉरी ये वाला कॉस चार में से दो गया तो टू थीटा दो से भागा दे दिया, सिर्फ थीटा कॉस थीटा प्लस में वन बटा, नीचे ध्यान से ज़रा समझें, इसमें यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन है, तो दो अबरी बच जाएगा दो, और फोर थीटा टू थीटा दोनों को जोड़ दो तो छः थीटा हो गया, और छः थीटा में दो से भागा दे दो तो तीन थीटा हो जाएगा, और वहाँ पे साइन थ्री थीटा है तो हम साइन थ्री थीटा कॉमन ले लिए, बाकी जो बचा उसको देखते हैं। तो यहाँ से दो और वहाँ से कॉस थीटा प्लस, उस जगह से साइन थीटा निकाल लिए थे तो वन बचा, टू कॉस थीटा प्लस वन, टू कॉस थीटा प्लस वन कट गया, तो कॉस थ्री थीटा अब बटा में साइन थ्री थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कि कॉट थ्री थीटा, यही तो प्रूफ करना था, कॉट थ्री थीटा आरएचएस हो गया साबित। अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छा बात, और जिन लोगों से नहीं बनता है, लगता है कि नहीं भाई हम अटक जाएंगे पक्का, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ऐसे तो हम समझाते हैं कि देखो बाबू, जब तक हम बता रहे हैं, जब तक हम सॉल्व कर रहे हैं, आराम से आप देखिए कैसे कैसे बता रहे हैं, और यही सब हिसाब बाद में बनाने के खुद से कोशिश करो। और अगर दोबारा में अटकते हो तो काहे का स्क्रीनशॉट ले रहा है, जहाँ आप अटक रहे हो वीडियो को फिर से चालू करके आप देख लीजिए कि आखिर आपको कहाँ पे डाउट हुआ, कहाँ आप अटक रहे हैं, कहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है। जहाँ पर भी कन्फ्यूज़न हो रहा है उस कन्फ्यूज़न को दूर कर लीजिए इसको देख के। दूसरा नंबर क्वेश्चन, नौ के सेकेंड, नौ के अगर दूसरा देखें तो साइन फाइव थीटा माइनस में टू साइन थ्री थीटा और प्लस साइन थीटा, जो भी है इसको लिखें, बटा में अगर बात करें तो कॉस फाइव थीटा और माइनस कॉस थीटा इस इक्वल टू, प्रूफ करना है टैन थीटा। चलो आरएचएस में जो भी साबित करना है, एलएचएस वाला ध्यान देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस, यहाँ साइन फाइव थीटा है, साइन फाइव थीटा को ऐसे ही छोड़ दो, साइन फाइव ए थीटा माइनस में टू साइन थ्री थीटा है, मतलब साइन थ्री थीटा दो बार लिखना है, साइन थ्री थीटा और माइनस में साइन थ्री थीटा, और इधर जैसे है साइन थीटा वैसे ही छोड़ दो, बटा कॉस फाइव थीटा और माइनस में कॉस थीटा, इसको रहने दिए। अब दो दो टर्म करके जोड़ा लगाएंगे, जैसे साइन फाइव थीटा और साइन थ्री थीटा, इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो लिखते हैं साइन फाइव थीटा और माइनस साइन थ्री थीटा, ये दोनों टर्म को एक साथ बैठा दिए, माइनस हम माइनस से कॉमन ले लिए तो बच गया कितना, साइन थ्री थीटा, और वो भी साइन थ्री थीटा प्लस में घटाओ, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस में बटा, नीचे जैसे दिखाई दे रहा है कॉस फाइव थीटा वैसे ही रहे देंगे और कॉस थीटा वैसे ही रहने देंगे, बाकी इसका फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूला, तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, फाइव थीटा प्लस थ्री थीटा अब बटा दो इंटू साइन सी माइनस डी, यानी कि फाइव थीटा माइनस थ्री थीटा अब बटा में दो, इसको आप ब्रैकेट में घेर दीजिए, घटाओ, इधर देखते हैं
साइन सी माइनस साइन डी, इसका फिर से फॉर्मूला वही, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, थ्री थीटा प्लस थीटा बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी, थ्री थीटा माइनस थीटा अब बटा में दू बटा नीचे, तो कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूला हो जाएगा टू, और कॉस सी माइनस कॉस डी है देखो, कॉस सी माइनस कॉस डी तो दोनों साइने में चलेगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, फाइव थीटा प्लस थीटा बटा में दो इंटू साइन सी माइनस डी नहीं लिखना, ये ध्यान रहे यहाँ पर सी माइनस डी नहीं चलेगा, डी माइनस सी चलेगा, मतलब कि थीटा माइनस में सी मतलब हो जाएगा फाइव थीटा अब बटा में दो। अब बाकी भले है कि दोनों से हम कॉमन क्या लेंगे, जैसे ध्यान से समझो, यहाँ भी दो है यहाँ भी दो है, तो पहले तो दोनों में से दो कॉमन, उसके बाद यहाँ अगर समझें कि फाइव थीटा में थ्री थीटा घट गया, अगर समझ में आता है तब, तो पाँच थीटा में तीन थीटा घट जाएगा तो घट के दो थीटा होगा, पाँच में से तीन गया दो, ठीक है पाँच में से तीन गया दो लेकिन बटा में दो है, तो ये तो बचेगा सिर्फ थीटा, मतलब साइन थीटा है। वैसे ही यहाँ ध्यान दो, तीन में से एक गया तो सिर्फ दो थीटा आएगा, लेकिन बटा में दो है जिसके वजह से सिर्फ थीटा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों जगह से टू साइन थीटा कॉमन, बाकी जो बच गया उसको देखा जाएगा क्या बचा। जैसे यहाँ से कॉस फाइव प्लस थ्री यानी एट, लेकिन बटा में दो इसलिए फोर थीटा, माइनस दो तो बाहर हो गया, थ्री प्लस वन यानी तीन थीटा एक थीटा चार अब बटा दो, यानी कि सिर्फ कॉस टू थीटा बटा दो तो रही है गया फाइव थीटा, थीटा दोनों को जोड़ दो तो सिक्स थीटा, लग तो रहा था सिक्स थीटा होगा लेकिन बटा में दो है इस वजह से सिर्फ थ्री थीटा। थीटा में से फाइव थीटा अगर घट भी जाता है तो ध्यान रहे कि अगर आप थीटा में से पाँच को घटा देते हैं तो चार थीटा, लेकिन बटा में दो है इस वजह से वो कटेगा और कट के हो जाएगा साइन माइनस में टू थीटा, साइन में माइनस लिखाता है इसलिए आप हटा नहीं सकते हो इसको, ये ध्यान रहे। अगर आप माइनस से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जैसे दो से दो पहले कैंसिल है, अगर यहाँ वाला माइनस से बहुत ज़्यादा परेशान है तो माइनस को यहाँ से हटाइए बाहर निकालिए, तो बचेगा साइन थीटा और कॉस फोर थीटा माइनस में कॉस टू थीटा बटा ये हो जाएगा साइन थ्री थीटा। और एक चीज़ हाँ, अगर आप जानते हैं तो ये माइनस हटा दो यहाँ, अगर आपको मालूम है तो साइन टू थीटा के फॉर्मूला कभी हम बताए होंगे, साबित भी किए होंगे, और नहीं साबित किए तो याद रखो ना यार कि साइन टू थीटा के फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा, साबित तो कर ही देंगे जब मल्टीपल एंगल पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ हम प्रूफ कर देंगे साइन टू थीटा के फॉर्मूला टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जिसमें साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, बाकी जो नीचे है ना इसको ऊपर भेज दो। चलो भाई यहाँ भेज देते हैं, ई माइनस वहाँ भेज दो, तो भेजने पे कुछ वैसन होगा कि कॉस टू थीटा हो जाएगा प्लस में और माइनस में, ये जो कॉस फोर थीटा देख रहे हैं ये हो जाएगा कॉस फोर थीटा माइनस में, बटा में जो बच गया उसको लिख देना, इसको घेर दो आप ब्रैकेट में ही चाहो तो घेर दीजिए, नीचे जो भी बचा उसको लिख देंगे, क्या बचा है तो साइन थ्री थीटा और कॉस थ्री थीटा, दो भी बचा ले तो आप दो लिख दीजिए, साइन थ्री थीटा लिख दो और इंटू कॉस थीटा, यहाँ ध्यान देना कि वाला माइनस कहाँ गया, ऊपर भेजे तभी तो कॉस थीटा मतलब कॉस टू थीटा प्लस में हो गया और कॉस फोर थीटा माइनस में हो गया। अब यहाँ तक ठीक है, इसके आगे नीचे अगर लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, इसके बाद ध्यान देना है कि कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूला, तो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं टू साइन सी प्लस डी वाई टू, सी प्लस डी वाई टू, टू थीटा फोर थीटा दोनों को जोड़ दिए तो छः हुआ होगा, लेकिन दो से भागा देंगे तो सिर्फ थ्री थीटा साइन थ्री थीटा, और इंटू साइन डी माइनस सी मतलब फोर में से टू घटाओ, तो फोर में से टू गया तो टू लेकिन दो से भागा देंगे तो टू थीटा, इतना इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि नीचे फिर जगह नहीं,
थोड़ा जल्दीबाजी में लिख रहे हैं। और नीचे रह गया टू, तो टू लिखेंगे। साइन थ्री थीटा है तो साइन थ्री थीटा लिखेंगे, और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिखेंगे। उसके बाद दू से दू कैंसिल, साइन थ्री थीटा से साइन थीटा कैंसिल। फिर एक चीज़ और, अभी अभी तुरंत बोले थे साइन टू थीटा के फॉर्मूला, अगर आप जानते हो तो अभी अभी लिखे हैं साइन टू थीटा के फॉर्मूला। यहाँ गलती किसे हो गया, टेन थीटा लाना है टू साइन, कहीं गलत हो गया, दिस इज माई मिस्टेक, कहीं गलती हो गया यार, कहीं तो गलती कर दिए हैं, क्योंकि लाना है टेन थीटा और आएगा कैसे टेन थीटा, ऊपर साइन टू थीटा कैसे बच गया, ऊपर सिर्फ साइन थीटा बच जाएगा, यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ टू थीटा कैसे बच गया, एक मिनट, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, दोनों को जोड़ दिए तो फोर थीटा और टू थीटा छः थीटा हुआ होगा, अब बटा दो तो तीन थीटा हो गया, फिर टू में से फोर घट गया, मान लो ऐसे साइन डी माइनस सी होता है, फोर में से टू घटेगा डी माइनस सी, तो फोर में से टू गया टू थीटा, सॉरी बटा में दूजे होता है इसलिए सिर्फ थीटा, हाँ तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू प्रूफ हो गया कितना, टेन थीटा। और आपको लाना भी कितना है, टेन थीटा ही प्रूफ करना था, इसलिए साबित हो गया टेन थीटा, लाना टेन थीटा था, साबित हो गया टेन थीटा। तीसरा क्वेश्चन, चलो तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें पाँच क्वेश्चन है इसी तरह से, और आज तो पाँच ही क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, आधा घंटा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, नौ के तीसरा नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो दिए हुए साइन सेवन एक्स और प्लस साइन फाइव एक्स प्लस साइन नौ एक्स प्लस साइन थ्री एक्स बटा कॉस सेवन एक्स प्लस कॉस फाइव एक्स प्लस कॉस नाइन एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स इज इक्वल टू, जो साबित करना है वह टेन सिक्स एक्स। देखो जो भी लाना है, लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस, यहाँ साइन सेवन एक्स प्लस साइन फाइव एक्स, मतलब साइन सी प्लस साइन डी के फार्मूला लिखा होगा कहीं ना कहीं, साइन सी प्लस साइन डी के फार्मूला, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, मतलब सेवन एक्स और प्लस फाइव एक्स बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस टू यानी कि सेवन एक्स माइनस फाइव एक्स बाई टू प्लस, इसका फॉर्मूला अगर अप्लाई करें कि साइन सी प्लस साइन डी है तो फिर से अप्लाई करो तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू यानी कि नौ एक्स प्लस तीन एक्स बटा दो इंटू कॉस सी माइनस डी, नौ एक्स माइनस तीन एक्स बटा में दो, और उसमें भी बटा नीचे अगर बात करें कि कॉस सी प्लस कॉस डी है तो एक फॉर्मूला हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी वाई टू, कॉस सी प्लस डी वाई टू ने सेवन एक्स प्लस फाइव एक्स बटा दो इंटू कॉस सेवन एक्स माइनस फाइव एक्स बटा दो प्लस, वैसे ही इधर बताना कॉस सी प्लस कॉस डी की फॉर्मूला देख लीजिएगा, सबसे ऊपर में है टू कॉस सी प्लस डी वाई टू यानी कि नौ एक्स प्लस थ्री एक्स बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी, नौ एक्स माइनस थ्री एक्स बाई टू। अब जो भी कॉमन ले सकते हैं, जैसे अगर समझ में आता है तो अच्छा बात है, यहाँ पर भी देखो सात पाँच बारह ठीक है, अब बारह बटा दो तो छः हो जाएगा, यहाँ भी समझो नौ तीन बारह और बटा दो छः हो जाएगा, तो साइन सिक्स एक्स यहाँ पर भी है
साइन 6x यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी। तो पहली बात है कि दोनों में से हम 2 कॉमन लेंगे, और 7 5 12 हुआ होगा जोड़ कर, लेकिन 2 से कट गया तो 6, 9 3 12 हुआ होगा लेकिन 2 से कट गया 6, यानी कि दोनों जगह से हम साइन 6x कॉमन ले लिए। बाकी जो बच गया, जैसे इस जगह से बचा कितना, कॉस 7 में से 5 गया तो 2x, लेकिन जो बटा में 2 है इस वजह से सिर्फ x हो जाएगा, प्लस 9 में से 3 गया तो 9 में से 3 गया तो 6, लेकिन बटा में जो 2 है उसके वजह से कॉस 3x। और बटा नीचे की बात करें तो 2 यहाँ पर भी 2 वहाँ पर भी, दोनों में से 2 कॉमन ले लो फिर से। उसके बाद 7 5 12 बटा 2, यानी 6x यहाँ हो गया, 9 3 12 बटा 2 यहाँ भी 6x हो गया। तो कॉस 6x यहाँ पर, कॉस 6x यहाँ पर, दोनों में से हम कॉस 6x कॉमन ले लिए, तो बच गया कितना यहाँ से, कॉस 7 में से 5 घटा दो 2, लेकिन सिर्फ x बचेगा क्योंकि बटा में जो 2 है वहाँ 9 में से 3 गया, मानते हैं 9 में से 3 गया तो 6 हुआ होगा, लेकिन 2 से जब कटेगा ना तो सिर्फ 3 हो जाएगा, यानी कि कॉस 3x। अब जरा ध्यान से देखें तो ये दोनों एक ही जैसे ने कट गया, 2 से 2 भी कट गया, तो बचा सिर्फ कितना, ऊपर साइन 6x और बटा में कॉस 6x, यानी साइन 6x और बटा कॉस 6x इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि टेन 6x। और प्रूफ भी तो यही करना था, टेन 6x साबित करना था, तो हो गया साबित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा था, इसके बाद दूसरा एक तीसरा, तीसरा नंबर है, इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चौथा नंबर इसका क्या है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 में दिए हुए, कॉस 3a प्लस 2 cos 5a प्लस cos 7a बटा cos a प्लस 2 cos 3a और प्लस cos 5a इज इक्वल टू, जो साबित करना है वह है cos 2a माइनस sin 2a, और इनटू में अगर बात करें तो tan 3a, और tan मतलब ध्यान देना कि sin बटा cos होगा, और यही समझना है कि आप यहाँ सिर्फ LHS से नहीं प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम दोनों तरह से कोशिश करते हैं। LHS में भी ध्यान देना है ना कि cos 3 है, तो cos 3a को ऐसे ही रहने दो, और ये 2 बार दिखाई दे रहा है 2 cos 5a, तो 2 को है तो इसको 2 बार लिखिए दो ना, एक बार cos 5a और फिर से लिख दो cos 5a 2 बार, इधर जैसे है cos 7a वैसे ही रहे, सॉरी 7a। देखो ऐसे तो समझने के लिए हम बोलते हैं कि अगर 4 टर्म रहे तो छोटका और बड़का को एक साथ रखो, लेकिन ये 3 टर्म है, सेम चीज़ बार 2 बार रिपीट हुआ है, तो सेम चीज़ बार 2 बार रिपीट हुआ है, लेकिन हम तो बोलेंगे 3 टर्म है, इसको सिर्फ 2 बार हम लिख दिए हैं बस। कॉस ए को कॉस ए लिखेंगे, प्लस में 2 cos 3 है, तो कॉस 3 a 2 बार लिखाएगा, कॉस 3 a कॉस 3 a और प्लस में कॉस 5 a, इसको 2 बार रिपीट कर दिए। अब इन दोनों को एक साथ में रखेंगे 3a 5a और एक बार 5a 7a को एक साथ में रखेंगे, तो ये दोनों अगर एक साथ रहता है तो फार्मूला cos c प्लस cos d के लगाना होगा, और cos c प्लस cos d के फार्मूला लिखल है सबसे ऊपर 2 cos c प्लस d बाई 2। देखो अब इतना देर में तो आपको समझ में आ गया होगा कि 3 और 5 दोनों को जोड़कर 2 से भागा देना है, तो 3 और 5 जोड़ोगे तो 8 होगा, लेकिन 2 से भागा देना है तो 4a डायरेक्ट लिखो ना, इनटू कॉस सी माइनस डी, तो कॉस सी माइनस डी मतलब 3 में से 5 घट गया तो 2a हुआ,
वो भी माइनस में हुआ होगा, लेकिन थ्री में से फाइव गया तो माइनस में टू, और ए से भागा, दो से भागा दिए तो सिर्फ ए लिखे, माइनस नहीं लिखे। सर कितना बार बोले कि कॉस में माइनस नहीं होता है, प्लस इधर वाला सोचो, कॉस सी प्लस कॉस डी, फिर से वही फार्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी के फार्मूला, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, पाँच ए सात ए, मतलब बारह ए हुआ और दो से भागा दे दी तो सिक्स ए हो गया, इंटू कॉस सी माइनस डी, मतलब पाँच में से सात गया होगा, मान लेते हैं पाँच में से सात गया तो माइनस टू आया होगा, लेकिन दो से भागा देंगे तो सिर्फ ए बचेगा, और माइनस के तो सवाल ही नहीं उठता है कॉस में, तो प्लस। जल्दी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा ज़्यादा नहीं खींचना चाह रहे हैं, हर मतलब हर बार तो एक ही चीज़ बता रहे हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी के फार्मूला। देखो अगर तुमको परेशानी हो रहा है, अगर आप लोगों को ऐसा दिक्कत लग रहा है कि नहीं भाई हम थोड़ा जल्दी बता रहे हैं, तो कमेंट करके बताइएगा कि नहीं सर धीरे धीरे ही बताइए, थोड़ा फास्ट नहीं लिखिए, यहाँ पे ऐसे फास्ट नहीं है, अभी तुरंत वीडियो को रोको, और अगर तुमको लग रहा है कि नहीं सर ये वाला समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिए कि नौमा के जो चौथा बताए थे वो तीसरा लाइन हमको समझ में नहीं आया। ऐसे हो नहीं सकता है, क्योंकि हम दो तीन वीडियो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं और बता चुके हैं, तो नहीं समझ में आने का तो खैर हमको नहीं लगता है कि ऐसा कोई चांस भी बनता है। कॉस सी प्लस कॉस डी के फार्मूला, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, ए थ्री ए जोड़कर फोर ए हुआ होगा, लेकिन दो से भागा दे देंगे हो जाएगा टू ए, कॉस सी प्लस टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी, ए में से थ्री ए गया तो टू ए आया होगा घटकर, लेकिन दो से जब भागा दे देंगे सिर्फ ए हो जाएगा प्लस में। इधर बात करते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी, फिर से वही बात कि टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, थ्री ए फाइव ए जोड़कर हो गया आठ ए, लेकिन दो से भागा तो फोर ए हो जाएगा, फिर कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो थ्री में से फाइव घटा दो दो होगा, और उसमें भी दो से भागा देना सिर्फ ए, और कॉस में तो माइनस प्लस के झमेले ने बराबर, यहाँ से वहाँ से पहले तो दो कॉमन, और इसमें भी देखो और उसमें भी देखो, यहाँ पर भी कॉस ए वहाँ पर भी कॉस ए, दोनों में से पहले कॉस ए निकालो, बचा कितना, इस जगह से बच गया कॉस फोर ए, यहाँ से अगर देखें तो कॉस सिक्स ए, नीचे अगर बात करें कि बटा में क्या बचा, यहाँ पर भी दो है वहाँ पर भी दो है, पहले तो दो कॉमन, कॉस ए यहाँ पर भी है कॉस ए यहाँ पर भी है, दोनों जगह से कॉस ए कॉमन, यहाँ से बच जाएगा कॉस टू ए, प्लस में यहाँ से बचेगा कॉस फोर ए, देखो दो से दो कट गया कॉस से कॉस कट गया, ऊपर कॉस सी प्लस कॉस डी, फिर लगा फॉर्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी के फार्मूला, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, फिर डायरेक्ट लिखते हैं सी प्लस डी अब बटा दो तो फोर ए, सिक्स ए दस हुआ अब बटा में दो कर रहे हैं तो फाइव ए हो जाएगा, इंटू कॉस सी माइनस डी, मतलब फोर में से सिक्स घट गया तो फोर में से सिक्स घटेगा तो माइनस टू ए, लेकिन दो से भागा देंगे तो सिर्फ ए, और माइनस प्लस जैसा नहीं लिखना है कॉस में, कॉस में अगर माइनसों में कोई टर्म आवे तो प्लस में लिखना, क्यों, क्योंकि माइनस वाला टर्म फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस का घर ही है, इसलिए हमको प्लस में लिखना ही पड़ेगा। नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूला, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, मतलब टू ए फोर ए दोनों को जोड़ दो, सिक्स ए हुआ और दो से भागा दे देंगे तो थ्री ए इंटू कॉस सी माइनस डी, टू में से फोर ए गया तो टू ए होगा और दो से जैसे भागा देंगे तो सिर्फ ए, और माइनस के तो बारे में सोचे भी मत करो, कॉस में दो से दो कट गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो बाकी पूरा बचा क्या, कॉस फाइव ए और बटा में कॉस थ्री ए। ध्यान रहे कि जो इतना मेहनत करके हम बनाए हैं ये सिर्फ एल एच एस है, अभी इतना ही मेहनत हमको आर एच एस के पीछे करना होगा, इतना ही मेहनत आर एच एस के ऊपर भी करना होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा करोगे, चलो भाई बहुत ज़्यादा करेंगे, एक लाइन बच रहा है, तो कॉस फाइव ए और बटा में कॉस थ्री ए लिखोगे, फिर आप क्या कर पाओगे, कुछ भी नहीं, इसके बाद आप हेल्पलेस हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, यानी कि आपको आर एच एस के सहारा लेना ही होगा, राइट हैंड साइड, और उसके लिए कॉस थ्रू कॉस टू ए लिखो, माइनस में साइन टू ए लिखो,
और टेन थ्री ए को आप लिख दीजिए साइन थ्री ए और बटा में कॉस थ्री ए। हालांकि अगर एलसीएम जानते हैं आप तो एलसीएम हो जाएगा कॉस थ्री ए, ये तो पहले से कॉस टू ए है, रहने दो कॉस टू ए, इसमें गुना हो जाएगा कॉस थ्री ए, और यहाँ जैसे माइनस में है साइन टू ए, वो साइन टू ए हो जाएगा और साइन थ्री ए, फिर कॉस सी इंटू कॉस सॉरी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, एक फॉर्मूला होता है कॉस ए यानी कि टू ए प्लस बी यानी कि थ्री ए बटा में कॉस थ्री ए। ऊपर वाले की अगर बात करें तो कॉस टू ए कॉस थ्री ए अगर दोनों को जोड़ दे तो कॉस फाइव ए अब बटा में कॉस थ्री ए। ये आर एच एस है, ठीक है आर एच एस है, जरा गौर से देखो एल एच एस क्या था, वही तो है कॉस फाइव ए बटा कॉस थ्री ए, वही तो आर एच एस है। मतलब हम कह सकते हैं कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड, समझा ब्रो, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, पहले किसी का ऐड आता था एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड, समझा ब्रो। अरे यहाँ से सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, आपको पूरा देखना पड़ेगा सूर्य, ठीक है, इन्हें सिर्फ एल एच एस आर एच एस बोल देने से प्रूव्ड हो जाएगा। अजीब अजीब का ऐड आता था, चैनल का नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, एजुकेशनल चैनल ही था, अजीब से मतलब दुनिया को बेवकूफ़ बनाने का धंधा बना लिया लोग, लास्ट में एल एच एस और आर एच एस प्रूव्ड, क्या कॉन्सेप्ट है देखिए तो, क्या कॉन्सेप्ट, बच्चे एकदम बाप की तैयारी के बराबर हो गए हैं। सॉरी किसी को अगर बुरा लग रहा है तो माफ़ी चाहते हैं, इसको उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। लोग जो भी करें हम पढ़ाने पर ध्यान देते हैं, आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है मेरे लिए भी, आधा घंटा हो गया ना, चलो एक क्वेश्चन और बच रहा है उसको भी पूरा ही कर देते हैं, आज नहीं लगता है कि दो वीडियो अपलोड कर पाएंगे। और दिक्कत ये होता है ना यार कि अभी थोड़ा सा माहौल चल रहा है शादी ब्याह वाला, और जैसे ही हम पढ़ाना शुरू करते हैं पता चला कि बगल में किसी के यहाँ शादी, पता चला उसके यहाँ तिलक है, वो डीजे स्टार्ट, और डीजे वाले जरा जरा डीजे वालू बाबू डीजे वाली डीजे वाला जो भी हो पता नहीं क्या होता है, वो बाजा अपना बज जाता है, और अगर वो चलते हुए अगर हम पढ़ा देते हैं तो थोड़ा सा कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। हम लगातार जो बोलते भी रहते हैं यही डर से, क्योंकि अगर हम बोलना बंद करेंगे तो गाने का आवाज़ आ जाएगा, और हालांकि नीचे भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन ऊपर थोड़ा रिकॉर्डिंग करने में अलग ही मज़ा आता है, ऊपर का जो माहौल है खुला खुला है, हवा हवा चारों तरफ से आता है, थोड़ा अच्छा लगता है, नीचे थोड़ा सा बंद जैसा महसूस होता है। एक क्वेश्चन और बच रहा है, चलो उसको भी क्लियर ही कर देते हैं, अभी तो शादी ब्याह का माहौल है, जो जो टेंथ वाला पास हुआ होगा अभी भरदम शादी ब्याह में नाचेगा, कुछ लोग शादी ब्याह में जाएगा, कुछ लोग तो अपने शादी ब्याह कर लेगा। 9 के 5वां नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन की, 5 नंबर खरे सॉरी 5वां नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो साइन ए ठीक है और प्लस साइन थ्री ए प्लस साइन फाइव ए प्लस साइन सेवन ए, यहाँ हम कह सकते हैं कि चार टर्म दिखाई दे रहा है कहीं, मतलब चार टर्म है सब अलग अलग है, एक कहीं जैसा नहीं है, नीचे वही चीज़ है लेकिन कॉस में कॉस ए कॉस थ्री ए कॉस फाइव ए कॉस सेवन ए, और बराबर में जो प्रूफ करना है वो है टेन फोर ए, तो जो साबित करना है वह है टेन फोर ए साबित करना है, देखो टेन फोर ए प्रूफ करना है, उधर जो भी टेन फोर ए लाना है इधर फिलहाल लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर चार टर्म दिखाई दे रहा है तो सबसे छोटका को सबसे बड़का के साथ में रखिए, एक बार देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा ऊपर नहीं गया, ठीक है, सबसे छोटा कौन है भाई साइन ए, तो साइन ए को सबसे बड़ा वाला टर्म यानी कि साइन सेवन ए के साथ में रखो, साइन ए को साइन सेवन ए के साथ में रखें, उसी तरह से साइन थ्री ए को साइन फाइव ए के साथ में रख देते हैं, बटा नीचे जो भी चल रहा है उसको देखते हैं,
कॉस ए है तो कॉस ए मान लो ए छोटा टर्म है और ए के साथ में 7a रख देते हैं, कॉस 7a, वैसे ही दोनों बीच वाले टर्म को बैठा देते हैं, कॉस 3a है तो कॉस 3a और प्लस में कॉस 5a, इन दोनों को बैठा दिए। अब बाकी साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूला लगा दो और यहाँ पर भी साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूला। तो चलो इस बार थोड़ा सा इजी वे में लिखते हैं एक एक करके। 2 sin C प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू मतलब ए प्लस 7a/2, 2 sin C प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो कॉस में सी माइनस डी, आप ए में से 7a घटाइएगा तो माइनस आएगा सर, लेकिन माइनस लिखाता नहीं ना है, तो ए में से 7a घटाओ, या तो आप चाहें तो 7a में से ए ही घटा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, क्यों हम इसी को मान के चल रहे हैं कि सी है, 7a यही कंसीडर कर लिए कि सी है और इसको मान लिए डी है, प्लस में क्या फर्क पड़ता है कि हम इसको सी माने या इसको सी माने, मतलब ऐसे लिखे कि नहीं भाई ये सी है ये डी है तो प्लस है ना यार, किसी को भी कैसे मानो चलेगा, तो 7 में से 1 हटा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर देखें तो फिर हम इसी को सी कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि बड़ा है और इसको डी, देखो माइनस रहता तो आप उल्टा पुल्टा नहीं मान सकते लेकिन प्लस में चलेगा, जैसे कि 2 प्लस 4 लिखे या 4 प्लस 2 लिखे, बतिया तो बराबर है दोनों ही हिसाब से 6 आएगा, हाँ अगर 4 माइनस 2 लिखे और 2 माइनस 4 लिखे तो अंतर हो जाता है, क्योंकि 4 माइनस 2 2 होगा लेकिन 2 माइनस 4 माइनस 2 होगा, तो घटाव में अंतर हो सकता है, हम समझ सकते हैं इस बात को, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन प्लस में आगे पीछे चलेगा कोई दिक्कत नहीं। तो आप 5a को c मान लीजिए और 3a को d मान लीजिए, फॉर्मूला 2 cos C प्लस डी बाई टू, यानी कि 5a और प्लस में सॉरी 5a प्लस 3a और बटा में 2, 2 cos C प्लस डी बाई टू इंटू साइन, सॉरी सॉरी सर सर हाँ हाँ नहीं गलती हो गया यार, पहले साइन ही नहीं होता है, गड़बड़ हो गया, प्लस वाला नहीं है साइन सी प्लस, तो पहले साइन होगा और फिर हो जाएगा कॉस सी माइनस डी, सी माइनस डी मतलब 5a और माइनस में 3a और बटा 2, फिर बटा में अगर देखें तो यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी, और कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos C प्लस डी बाई टू ए प्लस में 7a/2, 2 cos C प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, मतलब ए में से 7a घटे या 7a में से ए घटे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 7a माइनस ए लिख दीजिए और बटा में 2 लिख दो प्लस, उसके बाद अगर देखें इधर वाला फॉर्मूला तो कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूला हो गया 2 cos C प्लस डी बाई टू, 2 cos C प्लस डी बाई टू, सी माने कितना 3a, डी माने कितना 5a, तो लिखेंगे 3a और प्लस में 5a और बटा में 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू, सी माने 5a तो 5a हो गया माइनस में 3a और बटा में 2। अब बाकी जो कॉमन लेने वाली बात है, जैसे 2 यहां पर भी है 2 यहां पर भी है, कॉमन ले लेंगे, उसके बाद अगर देखें कि a और 7a है तो 8a हो गया, यहां भी तो 5 और 3 जोड़ के 8 हो गया, 2 से भागा 2 तो 4 हो गया, यहां 8 2 से भागा 2 4 हो गया, मतलब 2 और दोनों जगह से साइन 4a कॉमन हो गया, बाकी जो बच गया उसको लिखते हैं क्या बचा, जैसे यहां से बच गया कॉस और 7a में से 1 घट भी जाएगा तो 6a और 2 जे बटा में है उसके वजह से 3 है तो कॉस 3 आ प्लस में, उधर समझो 5a में से 3a घटा तो 5 में से 3 गया, मानते हैं 2a हुआ होगा, 5 में से 3 गया 2a, लेकिन बटा में जो 2 है ना वो काट देगा और सिर्फ लिखाएगा कॉस ए, बटा में अगर नीचे देखे कि नीचे क्या बच रहे तो यहाँ पर भी 2 है वहाँ पर भी 2 है, दोनों जगह से 2 कॉमन, 2 तो कॉमन हो ही गया, उसके बाद समझो एवे ए है और 7a है दोनों जोड़ दिया तो 8a और बटा में 2 तो कट के 4a हो जाएगा, यहाँ 3a और 5a दोनों को जोड़ दो तो 8a, 2 से भागा 2 फिर से, मतलब यहाँ पर भी कॉस 4a और यहाँ पर भी कॉस 4a, ध्यान से समझो a और 7 जोड़ के 8 हो गया बटा 2 4 हो जाएगा, 3 5 जोड़ के 8 हो गया बटा 2 4 हो जाएगा, तो दोनों जगह से हम कॉस 4a कॉमन ले लिए, बाकी जो बचेगा वो देखते हैं क्या बचा, इस जगह से बोलो क्या बचा कॉस,
सेवन में से एक घट गया मतलब सात ए में से एक गो एक घट गया, तो सात में से एक घट गया मतलब घट के छः गो ए, लेकिन दो से जो भागा है उस वजह से सिर्फ थ्री ए हो जाएगा प्लस में। यहाँ तो ये कॉमने हो गया था, तीन पाँच आठ हुआ था ना यार, तीन और पाँच आठ, दो से भागा दिए तो चार, तो यहाँ से कॉस फोर ए, यहाँ से भी कॉस फोर ए कॉमन हो गया, तो यहाँ से इतना बच गया, और उस जगह से क्या बच गया तो कॉस, वहाँ भी समझो पाँच में से तीन गया तो टू, और दो से भागा दे दो तो सिर्फ ए हो गया, दो तो खैर कॉमने हो गया, दो से दो कैंसिल, इधर देखो हु बहु एक जैसे ने, तो पूरा कट गया, बचा क्या साइन फोर ए और बटा में कॉस फोर ए, तो साइन फोर ए और बटा में कॉस फोर ए इज इक्वल टू टैन फोर ए। आपको प्रूफ कितना करना था जरा वो भी तो ध्यान दो कि साबित कितना करना था, टैन फोर ए, तो नौ में पांच क्वेश्चन था, पांचों क्वेश्चन हो गया प्रूफ। इसके बाद दसवां नंबर क्वेश्चन, देखो टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया और नौ में इसे भी पाँच क्वेश्चन था, तो पाँच क्वेश्चन का टारगेट हो गया पूरा। अगला जो है दसवां नंबर, उसके लिए फिलते हैं फिर कल मिलते हैं, और दसवां नंबर में अगर दो गो रहा तो दसवां ग्यारह दोनों बता देंगे, मतलब अगला पांच क्वेश्चन के लिए अगले क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो जाते जाते प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी टेंथ के एग्ज़ाम दे दिए अगर उसको लगता है कि हाँ भाई हम घर में बैठे हुए क्या करें, अगर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस क्लास को शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिएगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप शेयर करते हो तो। और जो पढ़ने वाले ही नहीं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अभी शादी ब्याह में भरदम इन्जॉय करेंगे, रिजल्ट आएगा एडमिशन होगा तब पढ़ाई की तैयारी करेंगे, तो वैसे लोगों को भेजने से कोई फ़ायदा नहीं, आप शेयर करोगे वो देखेगा नहीं पढ़ेगा नहीं, तो झूठ मूठ के बेकार हो जाएगा आपका भी मेहनत, और भेजने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर लगे कोई पढ़ने वाला है तो उसको बता दीजिएगा। और एक चीज़ हाँ, जो भी विद्यार्थी ट्वेल्थ वाले हैं उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा बाबू, देखो अगर आप ट्वेल्थ में है मान लेते हैं है तो इलेवेंथ की चीज़, लेकिन इसके बिना आप कैलकुलस नहीं समझ में आएगा आपको, और कैलकुलस के बिना ट्वेल्थ का मैथ नहीं, और कैलकुलस इसके बिना नहीं, इसका मतलब कि आपको मजबूरी में ही पढ़ना होगा, और कम से कम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो पढ़ना ही होगा, त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना ही होगा, रो के हंस के राधे विरोधे ऐसे वैसे जैसे तैसे आपको पढ़ना तो पड़ेगा, अगर ये छूट गया तो आपका कैलकुलस गया, और कैलकुलस गया तो ट्वेल्थ आपका गया। तो आज यहीं तक, इसके बाद फिर मिलते हैं कल, अगर क्लास अच्छा लगाओ तो प्लीज़ लाइक करके जाना, तब तक के लिए धन्यवाद।